तो हेलो नमस्कार सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, मेरा नाम है हसन अली और मैं आप सबका स्वागत करता हूं महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को यहां दिख रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल नॉलेज, तो यहां पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर आज हम लोग क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ढेर सारे आज जो है हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक बार मेरे को आप लोग बता दो क्या मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। एक बार प्लीज मेरे को बता दीजिए क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है कि नहीं आ रही है। और यहाँ मेरे आने से पहले ही 18 बच्चे जो है लाइक कर चुके हैं मेरी वीडियो को बिना देखे, तो देखकर बहुत अच्छा लगा मेरे को। राम राम। सुमित सोलंकी, जय हिंद। आरजू प्रवीण, दीपशिका शर्मा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आशुतोष कुशवाहा, संस्कृति त्रिपाठी सबसे पहले। बाकी लोग कहाँ पर हो, फटाफट आ जाओ। ठीक है, आज हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। आवाज क्लियर है, थैंक यू। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। हालांकि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ने वाले थे डिफेंस सिस्टम, बट चूंकि थंबनेल नहीं रेडी हुआ, ठीक है, और थंबनेल नहीं रेडी हुआ तो इसीलिए मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। बट कल जो है मैं आप लोगों को डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबका हार्दिक अभिनंदन, सबका सुस्वागतम, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। ठीक है, आई होप आप सब बढ़िया होगे। ठीक है ना, आई होप आप सब मेरी तरह बढ़िया होगे, जैसे मैं जबरदस्त हूँ। ठीक है, वैसे आप लोग भी सब अच्छे होगे, ठीक होगे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग आगे। और हम लोगों को आज पढ़ना क्या था बेटा, डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ना था, बट डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया ना पढ़ के आज हम लोग क्या बहुत से ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और कल हम लोग जो है भारत का डिफेंस सिस्टम पढ़ेंगे, इंडियन आर्मी के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन नेवी के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन एयरफोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, साथ ही साथ जो मिसाइल्स हैं, जो टैंक्स हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं हमारे भारत में, उनके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज नहीं बच्चा, कब, कल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक है, आज अपन लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो क्वेश्चंस हम लोग लगाना चालू करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। राधे राधे ऋतिक रस्तोगी, अंकिता यादव, राधे राधे। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ चुका है। ठीक है, कंप्यूटर वहां से आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है बेटा, विच गैस इज द मोस्ट पॉपुलर एज लाफिंग गैस। कौन सी गैस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, जिसको हम लोग हंसने वाली गैस कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हंसने वाली गैस। तो बताइए कौन सा गैस है, क्या वो नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या वो नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, क्या वो नाइट्रिक एसिड है, क्या वो सल्फ्यूरिक एसिड है। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। तो ये पहला आसान क्वेश्चन था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग, जिसका फॉर्मूला क्या है, N2O, N2O इसका फॉर्मूला है। और ये आपका करेक्ट आंसर होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और सबने जो है करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड पुलकित, संतोष, अर्पित तिवारी, आशुतोष, यूवी कॉन्फिडेंस, प्रिया शर्मा, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग का जो पहला सवाल है वो सही है और आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेप्ट वॉज ऑब्जर्व्ड एंड डिस्कवर्ड बाय हूम। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अवधारणा किसके द्वारा देखी और खोजी गई थी। इसका आंसर देखते हैं कौन देता है, ईशा सिंह, गुड इवनिंग। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेप्ट की डिस्कवरी किसने की या सबसे पहले इसको किसने देखा, तो बच्चा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। तो एक कह रही है दीपशिका शर्मा, कह रही है कि ए आंसर होगा, बाकी लोग भी आंसर देते चलो। कुछ लोग कह रहे हैं बी आंसर होगा, आरजू प्रवीण कह रही हैं बी आंसर होगा। चलिए वेरी गुड आरजू बेटा, आपका आंसर सही है। इसका जो आंसर होगा वो होगा जेम्स हारग्रीव्स। इसका क्या आंसर होगा, जेम्स हारग्रीव्स जो है इसका आंसर होगा।
जेम्स हारग्रीव इसका आंसर होगा। वेरी गुड अंजलि कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी के लिए, ठीक है। एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016 का ये सवाल है, 2016 का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है द ब्रह्मोस मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, ठीक है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको किस कंट्री ने डेवलप किया है, ठीक है। क्या वो आंसर होगा, इंडिया। क्या वो आंसर होगा, रशिया। क्या थर्ड आंसर होगा, डेवलप्ड बाय जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। क्या फोर्थ आंसर होगा, डेवलप्ड बाय जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड यूके। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अंजलि कुमारी लिख रही है सी, प्रिया लिख रही है सी, आनंद यादव का गलत हो गया यहाँ पर, ईशा आपका भी गलत हो गया है। वेरी गुड, तो इसका सही आंसर होगा क्या बेटा, इसका सही आंसर होगा डेवलप्ड बाय जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। भारत और रशिया ने मिलकर जो है ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है, ठीक है। भारत और रशिया ने मिलकर ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है बेटा वो आपका बनाया है। और याद रखेंगे बेटा ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको तीन बार जो है बनाया गया है, एक 2003 में, ठीक है ना, एक आपका कब, एक आपका 2009 में, और एक आपका कब, एक आपका 2013 में, ठीक है ना। 2003, 2009 और 2013 में जो है, यूवी कॉन्फिडेंस कह रही है कि इनका जो है नेट का प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं है, आप एक बार जो है मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे लगा के दोबारा से ऑन करो, सब कुछ सही हो जाएगा आपके मोबाइल का, ठीक है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को बेटा डेवलप किया गया है तीन पार्ट्स में, तीन सालों में, एक बार आपका 2003 में, एक बार आपका 2009 में, और एक बार आपका 2013 में। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा कि इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज क्या है बच्चा लोग, इसकी रेंज है आपका 290 किलोमीटर। कितना है बेटा, 290 किलोमीटर का इसका रेंज है। और पे लोड की अगर बात करें हम, ये कितना लोड जो है सह सकता है, कितना लोड लेके ये उड़ सकता है, तो पे लोड है बेटा 300 केजी, 300 किलो तक का जो है ये सामान, ये अस्त्र और शस्त्र लेकर उड़ सकता है और लड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं सरफेस टू सरफेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं इसको। एक तरीके की क्या है बेटा, क्रूज मिसाइल है। गुड आफ्टरनून संदेश तिवारी, कोई बात नहीं। सारिका मिश्रा आप अगर लेट हो गए हो तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया वॉज डेवलप्ड बाय, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया किसने डेवलप किया, कोई बताएगा मेरे को, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया किसने डेवलप किया, इसका आंसर आप लोग दीजिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ फिर आपको आंसर देता हूँ, ठीक है। राजेश कुमार सिंह आ चुके हैं और कई सारे बच्चे हैं, मैं पानी पी कर आता हूँ, इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। तो आ चुके हैं हम, क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया वॉज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था भैया कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो न्यूटन जो है टिक मार रहे हैं, तो सबका आंसर गलत हो चुका है यहां पर। इसका जो सही आंसर होगा
वो क्या होगा बच्चा, वो होगा आपका गैलीलियो। क्या आंसर होगा? गैलीलियो। तो न्यूटन जिसका जिसका आंसर था सबका गलत हो चुका है, ठीक है। और सही आंसर क्या होगा बेटा? गैलीलियो गैलीली साहब जो थे उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया दिया था, या जड़त्व का नियम दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ये कहता है व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन इट विल रिमेन इन रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी, कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये कहता है इनर्शिया। समझ गए? समझ गए? तो गैलीलियो इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड संदेश तिवारी, अगर आपका सही है तो। बाकी ये जितने भी बता रहे हैं सबका आंसर क्या हो गया है? गलत हो गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, फॉर द कल्टीवेशन नेम द क्रॉप रिक्वायर्ड फॉर वॉटर लॉगिंग। या हिंदी में इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है बेटा? खेती के लिए जल जमाव के लिए कौन सी फसल आवश्यक है? ठीक है ना, जल जमाव के लिए कौन सी फसल आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हाँ ज्यादातर बच्चों का गलत हुआ है, ठीक है ना, कुछ बच्चों का सही भी था, कुछ बच्चों का सही भी था। तो भैया जल जमाव के लिए या जल भराव के लिए या वाटर लॉगिंग के लिए जो सबसे बेस्ट होता है बेटा वो क्या होता है? वो होता है राइस, है ना, होता है राइस यानी कि चावल। समझ गए आप लोग? राइस इज द करेक्ट आंसर। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अचीव्ड द डिस्कवरी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डिस्कवरी किसने की? क्या वो अल्बर्ट वेलिंगटन थे, क्या वो आर वर्सो थे, क्या वो अल्बर्ट सन थे, क्या वो ह्यूगो साहब थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए। विटामिन सी की खोज किसने की? वेरी गुड शिवम शर्मा, अर्पित तिवारी शाबाश, प्रिया शर्मा शाबाश। चलिए नेक्स्ट सवाल हम कह रहे हैं, हु अचीव्ड द डिस्कवरी ऑफ विटामिन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा? वो होगा अल्बर्ट सेंट। क्या होगा? अल्बर्ट सेंट। वेलिंगटन इज द रॉन्ग आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या कहा जा रहा है? वो ये कहा जाता है व्हाट इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का शुद्धतम रूप कौन सा है? भैया लोहे का शुद्ध रूप क्या है? बताएगा कोई मेरे को आंसर? व्हाट इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? फटाफट आंसर दीजिए। व्हाट इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? सुमित सोलंकी कह रहे हैं मेरा सही था, ओके। राहुल यादव का भी सही है, अंजलि कुमारी का भी सही है। यहां पे आंसर दीजिए फटाफट। क्या वो आयरन पाइराइट होगा, क्या वो राउट आयरन होगा, क्या वो पिट आयरन होगा, क्या वो गैल्वनाइज्ड आयरन होगा? बताइए फटाफट। अंजलि कुमारी कह रही हैं राउट आयरन, सुमित कह रहे हैं ए, रुचि कह रही हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं राउट आयरन। तो वेरी करेक्ट आंसर जो होगा इसका बेटा वो क्या होगा? वो होगा राउट आयरन। क्या होगा? राउट आयरन, या फिर इसको क्या कहा जाता है हिंदी में इसको बोला जाता है पिटवा लोहा। क्या बोला जाता है? पिटवा लोहा इसको बोला जाता है। शाबाश, वेरी गुड। याद रखेंगे बेटा आयरन पाइराइट को क्या कहते हैं? आयरन पाइराइट को बोला जाता है बेवकूफों का सोना। इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है फूल्स गोल्ड। आयरन पाइराइट को कहा जाता है फूल्स गोल्ड, या फिर क्या कहा जाता है बच्चा? बेवकूफों का सोना, बेवकूफों का सोना कहा जाता है किसको बेटा? आयरन पाइराइट को। बात करें हम लोग गैल्वनाइज्ड आयरन को, तो गैल्वनाइज्ड आयरन बेटा वो आयरन है जिसपे जिंक की परत चढ़ी रहती है। इस पर क्या बेटा? इस पे जिंक की
लेयर चढ़ी रहती है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गैल्वनाइज्ड आयरन। क्यों बेटा, आयरन को जंग लगाने से, जंग लगने से बचने बचाने के लिए हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वनाइजेशन, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे फटाफट। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आठवां क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ नासा मार्स रोवर एंड व्हेन इट्स लैंडेड ऑन मार्स। जो नासा का जो मार्स रोवर था, जो कि मार्स पर उतारा गया था, ठीक है ना, मार्स पर जो उतारा गया था, जो मंगल ग्रह पर उतारा गया था बच्चा, उसका नाम क्या है, है ना, उसका नाम क्या है और कब उतारा गया था। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन देता है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन देता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ नासास मार्स रोवर एंड व्हेन इट्स लैंडेड ऑन मार्स। तो नासा रोवर का जो नाम था बेटा वो क्या है, तो सोनम कह रही है पायनियर, बाकी लोग भी आंसर दो। थ्री, राजेश कुमार कह रहे हैं थ्री, सारिका कह रही हैं ए, रुचि कह रही हैं डी, वेरी गुड राजेश कुमार सिंह, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्यूरियोसिटी, ठीक है ना, इसका नाम था। और 6 अगस्त 2012 को जो है ये क्या, 6 अगस्त 2012 को जो है ये लैंड हुआ था, कहां पर बेटा, मार्स में ये लैंड हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि लॉन्च कब किया गया था, तो भैया इसको लॉन्च कब किया गया था, तो लॉन्च इसको किया गया था बहुत पहले, और इसकी जो लॉन्चिंग की जो डेट थी बेटा वो 26 नवंबर 2011 थी, 26 नवंबर 2011 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, 26 नवंबर 2011 को इसको लॉन्च किया गया था, और ये मंगल ग्रह पे उतरा कब बेटा, 6 अगस्त 2012 को, लगभग लगभग इसने 10 महीने लिए हैं। और क्या बच्चा, ये ओल्ड नहीं है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है सोना बेटा, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड सन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड सन। क्या वो 50 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से घूम रही है, क्या वो 330 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूम रही है, क्या वो 8.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है, क्या वो 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है, इसका आंसर दीजिए। डॉली कुमारी कह रही हैं बी, बाकी लोग आंसर दो, लिख के आंसर दिया करो, ए बी सी मत दिखा करो, चलो इसका आंसर दो फटाफट। जब तक अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, या फिर इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। और ये सूरज का चक्कर बेटा कैसे लगाती है, ये सूरज का चक्कर किधर से लगाती है बेटा, तो ये वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जो है ये अपनी धुरी पर घूमती है, ये अपनी धुरी पर कैसे घूमती है बच्चा, तो ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो है ये घूमती है, कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज ये घूमती है अपनी धुरी पे। लेकिन हम स्पीड पूछ रहे हैं कि सूरज का चक्कर कितने में लगा रहा है, तो ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि 330 किलोमीटर पर सेकेंड। दीपशिका इज टाइपिंग 30 किलोमीटर पर सेकेंड, वेरी गुड दीपशिका शर्मा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ये होगा 330 इज द रॉन्ग आंसर, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इतनी स्पीड से जो है ये घूमती है हमारी धरती, सूरज का चक्कर लगाती है, और किस ऑर्बिट में घूमती है बेटा, तो एलिप्स ऑर्बिट में घूमती है। कौन सी ऑर्बिट है इसकी, एलिप्स ऑर्बिट है, एलिप्स ऑर्बिट है बच्चा, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में जो है ये क्या करती है,
घूमती है हमारी धरती, समझ गए? दीर्घ वृत्ताकार में ये हमारी धरती क्या घूमती है, चक्कर लगाती है। ना बढ़ते हैं हम लोग आगे, बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो ये कह रहा है, इन आर सोलर सिस्टम द मार्स इज द फोर प्लैनेट अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। आपको पता ही है कि सबसे पहले बच्चा क्या है, सबसे पहले आपका मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, चौथा है। क्वेश्चन में ही आपको बता दिया कि भैया चौथा है, ठीक है, इतना हमको पता है, ठीक है। बट हाउ मैनी मून्स हैज प्लैनेट मार्स, प्लैनेट मार्स के पास कितने जो है मून्स हैं या कितने सैटेलाइट हैं, इसका बताइए। प्लैनेट मार्स के पास कितने सैटेलाइट हैं, कोई मेरे को बताएगा? हाउ मैनी सैटेलाइट, क्या एक, क्या दो, क्या तीन, या कोई भी सैटेलाइट नहीं है इसके पास, बताइए। वेरी गुड, दो हैं, तो टू इज द करेक्ट आंसर बेटा। एक है फोबोस, एक है फोबोस, और एक क्या है बेटा, एक है डीमोस। फोबोस और डीमोस ये दो जो है उपग्रह हैं इसके पास, समझ गए आप लोग। और बात करें अगर हम लोग डीमोस की, तो डीमोस जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है ना, सबसे छोटा उपग्रह है ये ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम ये कहलाता है, वेरी गुड। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा मार्स की, ठीक है, तो मार्स की अगर बात करें तो ये अपने एक्सिस पे 25 डिग्री झुका हुआ है, ये 25 डिग्री जो है झुका हुआ है अपने एक्सिस से, ठीक है ना, अपने एक्सिस से ये कितना झुका हुआ है, 25 डिग्री। अर्थ की बात करें तो अर्थ हमारा 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ हमारा कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, है ना, और ये कितना झुका हुआ है बेटा, ये हमारा 25 डिग्री जो है झुका हुआ है। मंगल ग्रह को बेटा और हम लोग क्या कहते हैं, तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं, इसको हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चा यहां पर जो है आयरन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, और यहां पर पानी पाया जाता है H2O, और ये क्या बना लेता है बेटा, FeO या फिर Fe2O3 बना लेता है, और यही आपका जंग का मेन कारण होता है। और जंग का कलर कैसा होता है, रेड होता है, इसीलिए हमको मार्स जो है दूर से रेड कलर का दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है, समझ गए आप लोग। इसके अलावा हम यहां पर एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा, ब्रह्मांड का कह रहे हैं, सोलर सिस्टम का जो सबसे ऊंचा हमारा माउंटेन है बेटा, वो यहीं पर पाया जाता है, ठीक है, सोलर सिस्टम का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है ठीक है वो बेटा यहीं पे, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम वो यहीं पर है, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम वो कहां पर पाया जाता है बेटा, तो वो कहां पर है बेटा, ऑन मार्स, मार्स पे ही है, जिसका नाम क्या है बच्चा, जिसका नाम है बच्चा ओलंपस मॉन, क्या नाम है, ओलंपस मॉन इसका नाम है, ठीक है, ओलंपस मॉन इसका नाम है। और ये एक किस तरीके का माउंटेन है, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, समझ गए, ये आपका सबसे ऊंचा जो है पर्वत है, बात करें हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग लगभग 3 गुना ऊंचा है, 3 times दी हाइट ऑफ माउंटेन, लगभग लगभग 22 किलोमीटर ऊंचा जो है ये है हमारा ओलंपस मॉन, समझ गए आप लोग, ओलंपस मॉन हमारा लगभग लगभग 22 किलोमीटर है, 3 गुना ज्यादा जो है पाया जाता है ये, ठीक है। आपसे इसका अगर पुराना नाम पूछे हम लोग, तो इसका पुराना नाम क्या था बेटा, इसका पुराना नाम था निन ओलंपिया, इसका पुराना नाम क्या था, निन ओलंपिया इसका पुराना नाम था, अभी इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, अभी इसका नाम बदल के रखा गया ओलंपस मॉन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन एयर व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड।
भैया वायु में आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। आर्द्रता का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये जान लो। ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर। भैया हवा में जल कितना है, हवा में अगर जल होता है, मॉइस्चर होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि भैया आर्द्र है, ठीक है ना, या ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, फटाफट आंसर दे दो आप लोग, आंसर दो आंसर। हाइड्रोमीटर, एक ने लिखा है हाइड्रोमीटर, सोनम ने लिखा है, पुलकित ने भी लिखा है हाइड्रोमीटर, सी, एक बच्चा सी लिख रहा है, रुचि रावत और आरजू प्रवीण। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चा, वो होगा हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ इज द करेक्ट आंसर, बाकी जो आप लोग गलत गलत ले रहे हो वो आप लोगों का गलत है। हाइड्रोग्राफ से जो है हम लोग आर्द्रता को नापते हैं, वायु में आर्द्रता को नापने के लिए हम लोग हाइड्रोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन है बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज, अपने घटक रंगों में प्रकाश के विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, तो बताइए क्या कहते हैं, क्या इसको कुल आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, या टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, या डिस्पर्जन, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या नन ऑफ दीज, तो बताएगा कोई मेरे को। हेलो ऋषभ पटेल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चा लोग, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। अंजलि कुमारी शाबाश, आपका सही है, डिस्पर्जन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डिस्पर्जन इज द करेक्ट आंसर। और इसी की वजह से हमको क्या दिखाई देता है बेटा, इसी की वजह से हमको रेनबो दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है। देखो क्या होता है बच्चा, ये मान लो हमारी लाइट है, ठीक है, अब यहां पर हमने एक प्रिज्म लगा दिया, अब ये हमारी सात रंगों में बट जाएगी, कितने रंगों में, सात रंगों में बट जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, विब ग्योर कहेंगे, क्या कहेंगे, विब ग्योर, ठीक है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज और रेड, ठीक है ना। तो ये आपका सात रंगों में बट जाएगा, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है। हाँ सोनम, ऑप्शन में हाइड्रोग्राफ था, ठीक है। और जो लोग नए बच्चे हो यहाँ पर, उस वो लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ मैं यहीं पर दे दूंगा, इसकी पीडीएफ मैं यहाँ पर दे दूंगा। टेलीग्राम जो चैनल है मेरा जीएस बाय हसनैन अली, इसको आप सिंपल सर्च करोगे मिल जाएगा, समझ गए। वेरी गुड राजेश कुमार सिंह, ना बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। ऋषभ कह रहे हैं कि सर आप इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं करवाते हैं, करवाते हैं बेटा, बट वो सब पेड क्लासेस चल रही हैं अभी ना, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और आपका हिस्ट्री हो गया, वो सब हम करवाते हैं, बट अभी कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस जो है पेड चल रही हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम दिसंबर तक रहने वाले हैं, जब तक आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होगा, तो तब तक मैं बहुत कुछ करवा के जाऊंगा आप लोगों को, इकोनॉमिक्स भी हो सकेगा तो करवा दूंगा, साथ ही साथ एनटीपीसी का जितना सिलेबस होगा जीएस का, वो सब हम कंप्लीट करवाने वाले हैं यहाँ पर। बस आप लोगों को करना क्या है बेटा, करंट अफेयर्स अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें जीएस की यहाँ पर हम आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। डोंट वरी, अगर बने रहोगे शुरू से लेकर आखिरी तक की, तो 100% हम बता रहे हैं कि आपके जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग वहां पर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। पढ़ रहे हैं आगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन मैंने यहां पर नहीं रखे हैं, देखते हैं अब किसका आंसर सही आता है। क्वेश्चन क्या है, बेसिकली द हैवी वाटर इज यूज्ड बाय विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, पूर्ण रूप से भारी जल का उपयोग किस प्रकार के उद्योगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो पहली बात, मैं हैवी वाटर के बारे में अगर बताऊं आप लोगों को, तो हैवी वाटर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हैवी वाटर को कहते हैं D2O, क्या कहते हैं D2O, या फिर इसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपका जो है भारी जल कहलाता है, या हैवी वाटर ये आपका कहलाता है। 21 से महिंद्रा कोचिंग चलेगा क्या,
21 से नहीं चलेगा बेटा, ठीक है, अक्टूबर से खुलने के आसार हैं, अक्टूबर से खुलने के आसार हैं। पुलकित रजोड़िया ने लिखा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेरी गुड बेटा पुलकित, वेरी गुड, शाबाश, आपने आंसर सही दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट, लिख लो पावर जनरेशन प्लांट्स, ठीक है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट जो है इसका आंसर होगा। वेरी गुड सुमित सोलंकी, वेरी गुड शाबाश, हाँ न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज होता है, वेरी गुड शाबाश, इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, मैं देखना चाह रहा था कि कौन कौन जो है इसका आंसर सही देंगे, ठीक है ठीक है। D2O, नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि मैकेनिकल क्लॉक मेड बाय होम, ठीक है, इसके बाद आप लोगों को ऑप्शन मिलने लगेंगे, मैं यहां पर ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को, ये किसने बनाया था, तो क्या ये जूल साहब ने बनाया था, पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन क्या ये गैलीलियो ने बनाया था, तीसरा ऑप्शन क्या ये न्यूटन साहब ने बनाया था, और चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन क्या ये किरचॉफ ने बनाया था, ठीक है ना, मैंने चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दे दिए हैं, जूल गैलीलियो न्यूटन किरचॉफ, इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। वेरी गुड ईशा, अंजलि कुमारी, अंजुम सलमानी, वेरी गुड प्रियंका राजपूत, शाबाश, आंसर दीजिए इसका फटाफट आप लोग, मैकेनिकल क्लॉक किसने बनाया था, जो घड़ी है बेटा वो किसने बनाया है, अंजलि कुमारी कह रही है किरचॉफ, अतुल सिंह कह रहे हैं गैलीलियो, बाकी लोग कहां हो, गैलीलियो डी फोर, तो अभी तक जितनों ने भी आंसर दिया सबका गलत है, तो मैकेनिकल क्लॉक किसने जो है बनाया है, न्यूटन साहब ने, न्यूटन, न्यूटन इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, न्यूटन साहब इज दी करेक्ट आंसर, ओपी प्रज्वल गैलीलियो गलत है। नाउ नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन एडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन 2006 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो आ प्लैनेट, ठीक है ना, वो कौन सा जो है जो कि जब 2006 में एक बैठक बैठाई गई थी, किसकी बेटा, IAU की, और IAU की बैठक 2006 में बैठाई गई थी, और जिसमें जो है प्लैनेट की नई डेफिनेशन दी गई थी, प्लैनेट की न्यू डेफिनेशन दी गई थी, है ना, प्लैनेट की नई डेफिनेशन दी गई थी, तो उस डेफिनेशन में कौन फिट नहीं बैठ रहा था, वेरी गुड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लूटो, ठीक है, तो प्लैनेट की जो न्यू डेफिनेशन क्या है वो आप लोग सुन लो समझ लो, कि पहली बात तो क्या कि ये रिवॉल्व होना चाहिए अराउंड, रिवॉल्व अराउंड सन, ये पहली डेफिनेशन का पॉइंट है। दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए, इसका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट मस्ट बी क्लियर, ऑर्बिट मस्ट बी क्लियर, तो बस भैया इसी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा था कौन, प्लूटो, प्लूटो का जो ऑर्बिट है बेटा उसके ऑर्बिट में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और वो क्षुद्र ग्रह जो है प्लूटो से टकराते रहते हैं, बस इसी के वजह से जो है जो हमारा प्लूटो है वो ग्रह नहीं कहलाता है, और ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है ड्वार्फ प्लैनेट, क्या कहलाता है, ये कहलाता है ड्वार्फ प्लैनेट, थोड़ा सा आप लोगों को ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम आप लोगों को ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में बता देते हैं, तो ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं बच्चा लोग, या फिर जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग बौने ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, बौने ग्रह कहते हैं, तो ड्वार्फ प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में कितने हैं बेटा, 5 हैं, कितने हैं, 5 है हमारे सोलर सिस्टम में ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है, और कौन कौन से हैं बेटा, तो पहला है प्लूटो जिसको हम लोग कहते हैं यम, दूसरा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेरेस, सेरेस भी हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है, तीसरा जो है बेटा वो क्या है, उसका नाम है एरिस,
चौथा जो है उसका नाम है मेक 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 मेक। पांचवा जो है उसका नाम है हौमिया। क्या नाम है? हौमिया। ये पांच जो है अपन लोगों के पास क्या है अपने सौरमंडल में, ये पांच बौने ग्रह हैं। समझ गए ना आप लोग? चलिए, अंजलि कुमारी कह रही हैं कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ते हैं, तो बच्चा वहां पर तो बहुत सारे पड़ते हैं, ठीक है ना। और जो मार्स और जुपिटर के जो बीच पड़ते हैं ना एस्टेरॉइड्स, उसको हम लोग कहते हैं बेल्ट। और क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पट्टिका कहते हैं हिंदी में उसको, ठीक है। तो जब ज्योग्राफी आप लोग को पढ़ाएंगे हम डिटेल में ना, तब जो है आप लोगों को समझ में आएगा। बट अभी जो है मैं बता दे रहा हूं क्वेश्चन के हिसाब से जो जो सही है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा? द पॉइजनस गैस एक्सीडेंटली रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी जहरीली गैस निकली थी, बताइए फटाफट। कौन सी जहरीली गैस निकली थी, फटाफट बताइए, आंसर दीजिए मेरे को। कौन आंसर देगा इसका? तो बच्चा जो गैस निकली थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या है बेटा? मिथाइल आइसोसाइनेट। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा? वो है C2H3NO इसका फॉर्मूला है। समझ गया आप लोग? आप लोगों के कमेंट्स कहाँ चले गए, फटाफट बताओ। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला भी लिख लो बेटा, C2H3NO, ठीक है। इसके अलावा एक मैं होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को। होमवर्क है बेटा ये कि जब चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ था, क्या हुआ था? चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ था तो कौन सी गैस रिलीज हुई थी, कौन सा रेडियो एक्टिव गैस जो है रिलीज हुई थी चेर्नोबिल डिजास्टर में, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा मेरे को कमेंट करके, या फिर मेरे को बताइएगा। थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा भी चेर्नोबिल डिजास्टर के बारे में, क्योंकि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात होती है तो इसकी भी बात होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। वेरी गुड, सब लोग का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, डिवाइस यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन अल्फा बीटा एंड गामा। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये क्या है? ये है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मान लिया मैंने ये क्या है, ये मैंने मान लिया पोलोनियम है। क्या है? ये है पोलोनियम। और पोलोनियम से क्या होगा बेटा? अल्फा रेज निकलेंगी, बीटा रेज निकलेंगी और गामा रेज निकलेगी, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो ये मेरा सवाल है कि इन रेज को डिटेक्ट कौन करता है ना, पता कौन लगाता है। चलिए, क्या इसका आंसर होगा? रेडियोमीटर। क्या इसका आंसर होगा? कैलोरीमीटर। क्या इसका आंसर होगा? पोलैरीमीटर। क्या इसका आंसर होगा? गीगर काउंटर। तो ऋतिक कह रहे हैं डी आंसर होगा। प्रवल्लिका जी कह रही हैं रेडियोमीटर आंसर होगा। अंजलि कह रही हैं गीगर काउंटर। डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम होगा बेटा नवंबर से दिसंबर के बीच जो है आपकी नोटिफिकेशन आएगी डीआरडीओ की, ठीक है ना। डिफेंस रिसर्च जो है आपका, जो कि डिफेंस का ही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वो आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में इसकी जो है नोटिफिकेशन आएगी एग्जाम की। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चा, इसका सही आंसर होगा गीगर काउंटर। गीगर काउंटर इज द करेक्ट आंसर। गीगर काउंटर इज द करेक्ट आंसर।
और गामा में ये लिख लो कि सबसे ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर इसी के पास होती है। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है? यही होता है। और ये आपका क्या होता है? ये आपका न्यूट्रल भी होता है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू हीलियम एटम, अल्फा इज इक्वल टू हीलियम एटम, बीटा इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन, ये होता है। और ये आपका क्या? नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और गामा आपका न्यूट्रल होता है, सबसे ज्यादा पावर इसी गामा के पास होती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, वो ये कह रहा है कि कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, कैडमियम पॉल्यूशन किससे जो है एसोसिएटेड है, कैडमियम प्रदूषण किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो क्या वो मिनीमाटा डिजीज है, क्या वो ब्लैक फूट डिजीज है, क्या वो डायलेक्सिया है, क्या वो इटाई इटाई है? बताइए फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड पुलकित रजोरिया, ठीक है। सुमित सोलंकी बेटा, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम लोगों को पता चल पाएगा कब एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए बताइए। राहुल यादव कह रहे हैं इटाई इटाई, ऋतिक कह रहे हैं इटाई इटाई, ऋषभ कह रहे हैं ए आंसर होगा, कुछ लोग सी कह रहे हैं। तो जो लोग भी जो है इटाई इटाई कह रहे हैं उनका करेक्ट है आंसर, ठीक है। तो इटाई इटाई इज द करेक्ट आंसर। इटाई इटाई जो है आपका कैडमियम पॉल्यूशन से होता है। और बात करें अगर हम मिनीमाटा की बच्चा, तो मिनीमाटा आपका किसके वजह से होता है? मरकरी के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? मरकरी के वजह से होता है। और ये जो मिनीमाटा डिजीज है वो कहां से ओरिजिनेट हुई है? ये जापान से ओरिजिनेट हुई है। कहां से? जापान से ओरिजिनेट हुई है। एक्चुअली होता ये था, जापान में एक जगह था जिसका नाम था मिनीमाटा। जापान में एक प्लेस था बेटा, एक जगह थी जिसका नाम क्या था बेटा? मिनीमाटा। और यही की यहां पर जो है क्या है, यहां पर बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज से जो है गिरता था क्या? इंडस्ट्रीज से मरकरी गिरता था और इसी मरकरी को खा लेती थी मछलियां। और मछलियों को खा लेते थे कौन? जापान के लोग। जैसे हम लोग यहाँ पर दाल चावल खाते हैं ना, वैसे वहां पे मछली खाई जाती है। मुख्य जो खाना है वहां का मछली है जापान का, ठीक है। तो जब लोग खा लेते थे तो मछली के साथ साथ मरकरी भी जो है उनके शरीर में चला जाता था। इससे क्या होता था? सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता था, संचार तंत्र पर इफेक्ट पड़ता था और इंसान जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से जूझता था, समझ गए। तो मिनीमाटा जगह से जो है इसकी खोज की गई है, तो इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है? मिनीमाटा डिजीज रखा गया है। ना पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो नेक्स्ट जो सवाल है क्या कह रहा है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? महासागर की गहराई को मापने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? कोई मेरे को बताएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा फैथोमीटर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फैथोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वेरी गुड, सबका सही आंसर आ रहा है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैनग्रूव्स प्लांट्स आर दी प्लांट्स दैट हैव, मैनग्रूव प्लांट्स बेटा कौन से प्लांट्स हैं? तो याद रखना बेटा, एक बात मैं बता दे रहा हूं, आंसर तो बाद में बताऊंगा। तो मैनग्रूव प्लांट्स आपके कहाँ उगाए जाते हैं? तो ये आपके कोस्टल एरियाज में उगाए जाते हैं। कहाँ पर? कोस्टल एरियाज में जो है ये उगाए जाते हैं, समझ गए। क्यों उगाए जाते हैं? तो बेटा इससे जो है जो साइक्लोन आते हैं, जो चक्रवात आते हैं, चक्रवात से जो डिस्ट्रक्शन होता है ना उसको जो है कम किया जाता है। चक्रवात का जो तबाही होता है उसको जो है कम करने के लिए इसको लगाते हैं, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके यूपीपीएससी का ही ये सवाल है। और सवाल क्या था बेटा कि चक्रवात के इफेक्ट को या फिर साइक्लोन के इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सा पेड़ हम लोग लगाते हैं या क्या करते हैं?
हम लोग मैनग्रूव का प्लांटेशन करते हैं, ठीक है। तो मैनग्रूव प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, दलदली इलाके में निकलते हैं और ये ऐसे ऐसे निकल जाते हैं, खूब ढेर सारे ये उल्टे सीधे निकल जाते हैं। और जब ये निकलते हैं उल्टे सीधे, तो जो हवा का जो प्रभाव होता है उसको ये क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, जिससे डिस्ट्रक्शन कम होता है। क्या होता है, कम डिस्ट्रक्शन कम होता है। तो बेसिकली जो मैनग्रूव प्लांट्स हैं बेटा वो क्या है बेटा, तो ये है बेटा रेस्पिरेटरी रूट्स, ये आपके जड़ होती हैं, ठीक है ना। ये आपकी क्या होती हैं, जड़ होती हैं, और ये आपकी क्या लेती हैं, सांस लेती हैं, ठीक है ना। ये जड़ों से सांस लेते हैं, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। रेस्पिरेटरी रूट इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ रहे हैं हम लोग आगे, और ये आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस मैं देके जा रहा हूं, ये सब आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आंसर आप लोगों को देने हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, बाय विच कॉटन फाइबर्स आर मेड, कपास के रेशे किससे बने होते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका होमवर्क, कपास के रेशे किससे बने होते हैं, ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब व्हिच कनेक्ट्स द मिडिल ईयर विद थ्रोट। हिंदी में इसका मतलब क्या है कि मध्य कान को गले से कौन सी ट्यूब जोड़ती है, मध्य कान को गले से कौन सी ट्यूब जोड़ती है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है बेटा, अ हिस्टोरिकल विक्ट्री अचीव्ड बाय स्पेस क्राफ्ट विच गॉट मार्स ऑन इट्स फर्स्ट ट्राई। मंगल ग्रह पर एक ही बार में कौन सा स्पेसक्राफ्ट गया था, ठीक है ना। तो ये मेरा सवाल है नेक्स्ट, ठीक है। बस एक और क्वेश्चन देंगे फिर सेशन को ओवर करेंगे आज हम लोग, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ सन कॉन्सेप्ट डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। एनर्जी ऑफ सन कॉन्सेप्ट डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट, किस साइंटिस्ट ने एनर्जी ऑफ सन कॉन्सेप्ट का क्या किया था, डिस्कवरी किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट से या किस यंत्र से हम लोग, किस यंत्र से पेड़ों की वृद्धि ज्ञात की जाती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो आपके टोटल 6-7 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दे दिए हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, 1 horsepower इज इक्वल टू कितना, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, 1 horsepower इज इक्वल टू 746 वॉट होता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाएगा कि हमारी कॉमर्शियल यूनिट क्या है, तो कॉमर्शियल यूनिट हमारी क्या है बच्चा, तो वो है किलोवाट आर। क्या है, किलोवाट आर। और आपसे पूछा जाएगा एक किलोवाट घंटा में कितने वॉट सेकंड, बताइए आप लोग, 1 kWh में कितने वॉट सेकंड, इसका आंसर कोई दे दे बस मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं और कक्षा को यहीं पर एंड कर देता हूं। अच्छा राजेश कुमार, वेरी गुड। इसका कोई आंसर दे दे मेरे को कि 1 kWh बराबर कितना वॉट सेकंड, 1 kWh बराबर कितना वॉट सेकंड। वेरी गुड, पुलकित रजोड़िया आंसर दीजिए मेरे को।
3600 सेकेंड, वॉट सेकेंड की बात कर रहे हैं, वॉट सेकेंड की कौन सा ही आंसर देगा? देखो बेटा 1 किलो वॉट आवर, मैं चेंज करके आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है? तो 1 किलो में कितने, 1 किलो वॉट में कितने वॉट होंगे? तो 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होगा ना, और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? तो 60 × 60 सेकेंड्स यानी कि 3600 सेकेंड होंगे। अब ये दोनों मिक्स है, यानी कि 1 किलो वॉट आर बराबर 1000 × 3600, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3.6, 3 इधर और 3 इधर, 3.6 × 10⁶ वॉट सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर कोई नहीं दे पा रहा था। वेरी गुड ओपी प्रज्वल, शाबाश, ठीक है? तो इसका आंसर ये होगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, शाबाश। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया टू गो ऑन द ऑर्बिट? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं सेशन यहीं पर एंड कर रहा हूं, क्योंकि 5 बजे से पहले मेरे को एंड करना है, इसीलिए, वरना क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं। तो आज के लिए क्लास इतना ही, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहो, स्वस्थ रहो, सतर्क रहो, और पढ़ाई जमकर करते रहो, है ना? पढ़ाई आप लोग जमकर करते रहो। थैंक यू, लाइक वाइक कर डालो, कमेंट वमेंट कर डालो, शेयर एयर कर डालो, सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर डालो, ठीक है ना? और हमको फॉलो भी कर डालो, GS by हसनैन अली पर हमको फॉलो कर डालो, या फिर इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर डालो। इंस्टाग्राम की आईडी हमारी क्या है? ali.assu.71। ये गलत बता दिया, गलत बता दिया, ये क्या है बेटा? hasnain.ali.71, ये हमारी इंस्टा की आईडी है, आप लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है? ये हमारी इंस्टा की आईडी, आप लोग यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। आप लोग स्वस्थ रहो, सतर्क रहो, और पढ़ाई वढ़ाई करते रहो जम के। कोई भी दिक्कत हो हमें संपर्क करो। थैंक यू क्लास। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा 8 बजे तक की, ना?